हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल ऑलवेज डार्कनेस तो कैसे सब लोग आई होप फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट करेक्ट सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में ऑफकोर्स कौन आने वाले है कौन आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड डेफिनेटली हु लव्ज यू द मोस्ट सो लेट्स लेट्स फाइंड आउट टाइमलेस है कलेक्टिव है

We do have the community. 8. Okay. We do have the fates. We do have the observer. Okay. We do have regeneration. We do have round and round and round. We, have breathe. we do have 8 and 17. 8 is very important. 46. That is ten, twenty five, seven, forty nine, thirteen, twenty nine. That is eleven is very important. अभी हम यहाँ से भी देखेंगे उसके बाद हम एक साथ आपको कहेंगे सो हु इज़ दिस पर्सन हु लव्स यू सो मच देखते हैं कि आप उन्हें जानते हैं या नहीं वी डू हैव टेम्परस एनर्जी ठीक है वी डू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टेन ऑफ स्वर्ड्स द डेथ कार्ड काफी इंपॉर्टेंट है टेन ऑफ स्वर्ड्स एंड डेथ कार्ड वी डू हैव टेन ऑफ वेंट्स ओके बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेवन ऑफ स्वर्ड्स एंड सिक्स ऑफ स्वर्ड्स एंड वी डू हैव क्वीन ऑफ स्वर्ड्स आई होप आपको सारे कार्ड दिखाई दे रहे होंगे अच्छे से देखो टेन टेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आपके पर्सन हो सकता है कि आपसे एज में जो है कहीं ना कहीं पे ज़्यादा भी अगर नहीं होंगे ठीक है तभी भी वो आपसे काफ़ी मच्योर्ड है ठीक है इंटेलिजेंट मैं नहीं बोल रहा कि आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है या इंटेलिजेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं हाँ हैं दे आर हाईली इंटेलिजेंट पीपल दे आर वेरी वाइज पीपल एट द सेम टाइम सिर्फ क्लेवर नहीं है वो ठीक है बहुत ज़्यादा वाइज है मतलब ज्ञान बहुत ज़्यादा है कब कौन सा समय में क्या डिसीजन लेना होगा वो पता चल जाता है उनको इन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ही एंडिंग्स देखा है बिगिनिंग्स देखा है तो इसलिए उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कौन उनको क्या कह रहे हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता थोड़े समय के लिए हो सकता है अगर उन्होंने उनके लिए कुछ किया होगा तो वो इमोशनल हो सकता है बट आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दे विल अगेन फॉरगेट बाय हुक और बाय क्रुक उनको जो हासिल करना होता है वो हासिल कर लेंगे चाहे ये इंसान जो है उसके लिए अपने कमिटमेंट से अगर पीछे भी चले जाना पड़े ठीक है तो वो करेंगे अपने पर्सनल लाइफ को वो नेक्स्ट मतलब सेकेंड लेवल पर रखते हैं प्रायरिटी लेवल अगर है तो वो फर्स्ट प्रायरिटी अपना करियर को ही हमेशा देते हैं बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने के वजह से इनको किसी भी तरह के जो जॉब्स है उसमें वो जाते हैं ना एक्सेलेंट परफॉर्मर एंड भाग्य उनका काफ़ी ज़्यादा साथ देता है भाग्य काफ़ी साथ देता है ओके मे बी दे हैड सफर्ड फ्राम यू कैन से प्रोकस्टिनेशन लेट हुआ है लेकिन फिर से यहाँ पे देखो ये रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि आपके साथ इनका कनेक्शन ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ होता रहे बट इट विल नेवर कम टू एन एंड लाइफ ओके द सोल नेवर डाइज डेफिनेटली इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स अलग अलग री में अलग अलग जो है आपने दोनों ही अलग अलग लाइफ टाइम्स में एक साथ जिया है एक साथ जीने और मरने का वादा किया है आप लोगों ने इट इज़ नॉट दैट कनेक्शन विच इज़ यू नो वेरी सिंपल और इट इज़ लाइक कनेक्शन नहीं इसी जन में ही हुआ और इसमें कोई गहराई नहीं है नो द कनेक्शन विल बी वेरी इंटेंस ठीक है और द कनेक्शन विल बी नॉट सो सिंपल इट विल बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कनेक्शन एंड ये इंसान जो है आपको ये भी सिखाएंगे कि डिसिप्लिन में रहना क्या होता है हार्ड वर्क करना कितनी ज़्यादा ज़रूरत है टफ रिस्पॉन्सबिलिटीज़ लेना पड़ता है धार्मिक भी होंगे आध्यात्मिक भी हो सकता है इनफैक्ट आप धार्मिक हो सकता है वो आध्यात् हो सकता है या वो आध्यात् आप धार्मिक उस तरह से बाईस भर सा एंड ये इंसान काफ़ी आपको स्टॉक भी कर रहे होंगे ऑन द सोशल मीडिया बिफोर दे कैन कम इन टू आर डिसीशन बट उनसे कोई सवाल अगर आप पूछने के लिए जाओ स्पेशली रिलेटेड टू देर फैमिली मैटर्स और समथिंग वेरी सीक्रेट सो दे विल जस्ट इंटेंगल यू वो आपको घुमा फिरा के घुमा फिरा के जलेबी की तरह फिर आंसर देंगे कभी भी वो सीधे वैसे आंसर नहीं देते कुछ लोग ने आप जानते हो ये इंसान को ये इंसान आपसे कास्ट में हायर कास्ट में हो सकता है या इनका कास्ट आपसे लोअर हो सकता है या प्रोफाइल जो भी हो देर विल बी अ लार्ज डिफरेंस एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान हो सकता है इनको देखते ही आपको अपना जो है ना सांसें बहुत ज़्यादा ही आपका फास्ट फास्ट चलना शुरू हो जाता है योर हार्ट बीट starts you can say giving so much of vibrations like and bits there start hota hai ye insaan jo hai aksar traveling jobs mein rehte hain aur how to make money and how to enjoy the money financial problems ये तो हो सकता है कि फाइनेंशियल एनालिस्ट हो लेकिन फाइनेंस जो है उनके लिए ऐसा है कि बस पैसा आते रहना चाहिए खर्चे भी करना चाहिए खर्चा भी करो बट पैसे कमा भी लो उसके लिए आप हार्डवर्क भी करो उसके लिए आप बैठे मत रहो रहा करो लेजी मत हो जाओ इतना उनका गोल है एम्बिशन है वो किसी को भी घर में बैठे हुए देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे कि नहीं तुम घर में हो तो घर में बैठ के कुछ क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव आप कर सकते हो दिस इज ऑल अबाउट देम एंड आई डू थिंग सो दैट दे लव दैम से पेम्पर दैम्स इज सो मच ठीक है ऐसा आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि स्टार का जो लाइट है आपके शरीर के ऊपर से क्राउन तो, चक्र से लेकर कहीं ना कहीं पर आपके फाउंडेशन चक्र दैट इज बेसल चक्र तक दैट इज़ आपके साहसारा जो है उससे लेकर आपके मूलाधार चक्र तक बह रही है आप ऐसे इमेजिन करो कि स्टार का जो लाइट है वो आपके शरीर से बह रही है तो आप कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ से जाएंगे या कोई भी आप येलो कलर का लाइट इमेजिन कर सकते हैं या पर्पल कलर की लाइट भी आप इमेजिन कर सकते हैं सो बेसिकली दे नो हाउ टू मेक पीपल कंफर्टेबल एंड आई डू थिंक सो उनके हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के करली हेयर हो सकते हैं या अगर ब्लॉन्ड हेयर मे बी स्ट्रेट ऑल्सो and their face is very cute, eyes are very expressing, very deep expression. एक्सप्रेशन ठीक है कहीं ना कहीं पर चश्मा भी हो सकता है कि पहनते हो और चश्मा पहनते हुए उनकी आँख और भी बड़ा दिखता है और कंप्यूटर के सामने अगर हो तो कि काख बहुत बड़े बड़े दिखते हैं दे कैन बी आ स्ट्रोंग कैप्रिकॉन एंड दे आर लाइक यू नो दे आर वेरी मच यू कह से लाइक दे वॉन्ट एवरीवेयर ओके okay, कहीं ना कहीं पे वो जाएंगे टू बी वेरी नीट एंड क्लीन बहुत अच्छा से साफ सफाई होगा तो ही वो वहाँ पे बैठेंगे तो ही कुछ होगा उस तरह से वो है ऑल राइट सो लेट मी सी इनका स्माइल जो है इट विल बी क्वाइट चार्मिंग एंड डेफिनेटली विल लव दैट सो यहाँ पे हम देखते हैं उनका इनिशियल्स क्या क्या है ठीक है कैन बी ऑफ मीडियम हाइट एवरेज साइज बॉडी वेट स्लिम हो सकते हैं ओके कैन ऑल्सो हैव लाइक वेरी फायरी एनर्जी और काफी हो सदा आर्मी डिफेंस मिलिट्री में हो तो उन सारे चीजों को लेके वो डील करते हो इस तरह से कैन बी इन ऑथोरिटी मतलब क्या है कैन बी लाइक यू नो इन ऑथोरिटेटिव पोजिशंस बट दे कैन डू एनी टाइप ऑफ जॉब कुछ भी जॉब करवा लो उनसे B R KS GP five eight and six are very important TW yeah nine is very important okay J L -U H a yeah, two is important एक्स आप थोड़ा सा आप लोग भी देख लो आपके पर्सन आप जिनको जानते हो उनसे मैच हो रहा है आपके नाम का इनिशियल्स यहाँ पे है आप देख सकते हैं ठीक है एट सो दे कैन यूज एट साइन ओके कैन बी मीटिंग यू ऑनलाइन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू सोशल मीडिया स्पेसिफिकली सोशल मीडिया ओके okay. जब आप लोग मिलेंगे लोकेशन बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है आपका कैन बी फ्रॉम द ईस्टर्न स्टेट्स वेर यू लीव मतलब बिहार दिखाई दे रहा है यहाँ पर ओके लाइक दे लव टू डू सेविंग्स तो वो सेविंग्स करना बहुत उनको अच्छा से आता है सेविंग्स फॉर द फ्यूचर ओके सो कैन बी इन द बैंक ऑल्सो एट द सेम टाइम okay and all right so this is all about today's reading guys i hope you like it and if you like please do share and subscribe thank you so much for being with me love you a lot take care of yourself and